हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रामलस मीना। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हो, रिवीजन करते हैं। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को हल करने पर तीन संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, संवेग और स्थिति को बतलाती है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, ऊर्जा के उन क्वांटिकृत मानों को क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिनके आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की विशेष पहचान होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए कुल मिलाकर चाल को फोर क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं होती है। इन चारों क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को चिन्हित किया जा सकता है। इन चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार पोस्टमैन पत्र लिखकर पते के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करके उसके पास पत्र पहुंचाता है। इन चारों क्वांटम संख्याओं का संक्षिप्त विवरण अग्र मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे एन से निरूपित करते हैं। एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि कोई भी पूर्ण संख्या है, हो सकती है। ध्यान रखिए, 0 नहीं है। 1, 2, 3, 4 आदि कोई भी पूर्ण संख्या है, हो सकती है। ये मूर बोर मॉडल के मुख्य कोषों को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, आपके मुख्य कोषों को दर्शाती है। अगर एन का मान 1 है तो हम के कोष की बात कर रहे हैं, एन का मान 2 है तो हम एल कोश की बात कर रहे हैं। मुख्य कोश 1, 2, 3, 4 आदि को हम के एल एम एन आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य कोश अथवा कक्ष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कोश में एन का मान 1, 2, 3 आप जो देखेंगे उसके आधार पर 2n² से आप उसमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि n बराबर 1 हो तो के शेल के लिए, के कोश के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1 का स्क्वायर आप इक्वल टू 2 होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से एल शेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2 का होल स्क्वायर 2 × 4 इक्वल टू 8 निकालेंगे या होगा। इसी तरह एन बराबर 3 एम शेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और एन की जगह आप 3 रखिए और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 × 2 इक्वल टू 18। तो एन बराबर 3 शेल एम शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी, एन बराबर 1 में 2, उसके बाद में एल बराबर 2 इसके लिए 8 और अब एन बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। इसी तरह एन बराबर 4 एन शेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 4, 4 का होल स्क्वायर कीजिए क्योंकि एन बराबर 4 रखा तो 4 जा 16, 16 × 2 32, अर्थात अधिकतम एन शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। अर्थात प्रथम कोश में अधिकतम 2, द्वितीय कोश में अधिकतम 8, तृतीय कोश में अधिकतम 18, चतुर्थ कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से किसी परमाणु के आकार के बारे में जानकारी मिलती है। एन का उच्च मान परमाणु के बड़े आकार का द्योतक होता है। सेकेंड या द्वितीय क्वांटम संख्या है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या या अचीवेबल क्वांटम नंबर। ये मुख्य कोश से संबंध उपकोशों की संख्या को दर्शाता है। मुख्य कोश में कितने उपकोश है इसको कौन दर्शाएगा, आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे एल द्वारा, स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान एन के मान पर निर्भर करता है। इसके कुल मान शून्य, आप एग्जाम्पल से ये समझ जाएंगे आगे, शून्य से प्रारंभ होकर एन -1 तक जाते हैं।
एन बराबर अगर 1 है तो एल बराबर 0, अर्थात एन माइनस वन, 1 माइनस 1 जीरो होगा, जीरो होगा। पहले कोश में केवल एक ही उपकोश होगा, एल बराबर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ना इसमें एक ही उपकोश हो सकता है जिसे हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार एन बराबर 2 हो तो एल बराबर एन माइनस वन, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, और वो 0 से शुरू होगा इसलिए 0, 1 दो उपकोश होंगे। 0 किसका है? एस का, और 1 का मतलब पी। दो उपकोश होंगे तथा एन बराबर 3 में एल बराबर एन माइनस 1 से आप निकालोगे तो मान आएगा 2, तो 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2 तीन उपकोश होंगे एस पी और डी। यहाँ हमने लिखे नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं यहाँ एस व पी होंगे। इसी तरह एन बराबर 4 हो तो एल के मान आएंगे आपके एन माइनस 1, 3, और वो 0 से शुरू होंगे तो 0, 1, 2, 3 चार उपकोश एस पी डी एफ। एल बराबर 0 के लिए एस उपकोश, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी और तथा 3 के लिए एफ। जब एन बराबर 1 होता है तो एल बराबर 0, अर्थात इसमें केवल एक ही उपकोश उपस्थित होता है एस, क्योंकि प्रथम कोश में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 उपकोश होते हैं एस व पी। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होगा, एस में कितने रहेंगे? 2 और पी में 6, और टोटल आप देखो तो एन बराबर 1 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन बराबर दूसरे उपकोश के ये 8 होगी। दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाली थी पहले भी, तो 8 होगी। तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों का विभाजन एस पी डी में, एस में 2, पी में 6 और डी में 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका विभाजन इस तरह से होगा। चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2, 6, 10, 14 क्रमशः उपकोश होंगे एस पी डी एफ। आप जानते हैं एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। द्विगंशी क्वांटम संख्या से किसी भी कक्षक की आकृति का ज्ञान होता है। एल बराबर 0 पर आपका कौन सा कक्षक होगा? एस कक्षक। की आकृति गोलाकार होती है। एल बराबर 1 पर पी कक्षक की आकृति डंबल, डंबल आपका इस तरह से होता है, ये आप यूं करके। एल बराबर 2 पर डी कक्षक की आकृति डबल डंबल, वो जबकि क्रॉस होता होती है। चुंबकीय क्वांटम नंबर अपनी कक्षक गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार अभिविन्यासित होंगे इसके लिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान एल पर निर्भर करता है। इसके कुल मान माइनस एल से प्लस एल तक हो, अर्थात एम का कुल मान होगा अगर निकालना होगा तो 2L+1। एल का मान इसमें रखेंगे और एम के मान प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के यदि 0 है, एल बराबर 0 है, द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या का मान 0 है, तो उपकोश क्या होगा? एस होगा। उसके लिए एम का मान केवल 0 होगा, ठीक है। एम के प्रत्येक मान के लिए एक कक्षक को दर्शाता है। उपकोश में केवल एक ही कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। L+1 तक होते हैं जिसमें शून्य भी शामिल होता है। ये यहाँ यहाँ लिख लीजिए, माइनस L+1, L-1 से L+1 तक होते हैं इसके मान। इसी प्रकार एल बराबर 1 हो तो पी को उपकोश में
एम के तीन मान होंगे माइनस वन से जीरो और प्लस वन तक। यहाँ आप एल का मान लिख लीजिए माइनस वन से प्लस वन तक होंगे। अर्थात पी उपकोश में तीन कक्षक होंगे जो तीनों निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। इन तीनों पी कक्षकों को पी एक्स पी वाई पी जेड कहा जाता है। पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि एल का मान 2 हो डी उपकोश, तो एम के कुल 5 मान होंगे -2 -1 0 +1 +2 अर्थात माइनस एल से प्लस एल तक। इसी प्रकार या इसी कारण डी उपकोश में 5 डी कक्षक होते हैं। आप देखो एस और पी और डी को जस्टिफाई कर रहा है। एस में एक, पी में उपकोश 3 और डी में 5, जिसमें तीन निर्देशांकों के मध्य अभिविन्यासित होते हैं कक्षक डीएक्स डीवाई डीजे डीएक्स जेड, और दो कक्षक निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो कि आप 3D डायग्राम में आप देखेंगे तो वो अक्ष एक्सेस की तरफ अभिविन्यासित होते हैं। चूंकि डी उपकोश रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 10 है, अतः प्रत्येक डी कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ही है हुई। इसी प्रकार एल की मान 3, एफ उपकोश के लिए एम का मान -3 से +3 तक होगा। कुल 7 मान होंगे 2L+1 के हिसाब से भी आप देखेंगे। तो अतः F कक्षक कुल कितने होंगे? 7 होंगे। प्रत्येक कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, अतः टोटल 14 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। चूंकि क्वांटम संख्या से किसी कक्षक के त्रिमीय आकाश में अभिविन्यास प्रदर्शित होता है। फोर्थ क्वांटम संख्या है जो स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण और स्पिन क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करते ही, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करते ही हैं, साथ ही अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन दो ही प्रकार से चक्रण कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जैसा कि ऊपर से स्पष्ट हो चुका है, एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोनों का चक्रण भी अलग अलग होगा। एक ही चक्रण में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति उत्पन्न चुंबकीय आकुंचन के मान में इकाई का अंतर होता है। अतः स्पिन क्वांटम संख्या के लिए 2 ही मान संभव है, +1/2 और -1/2। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को शो करते हैं। इन्हें हम तीरों के क्लॉकवाइज के लिए प्लस अपर की तरफ जाते हुए तीर को इंगित करते हैं, और नीचे -1/2 के लिए अपोजिट स्पिन के लिए नीचे जाते हुए तीर को से सूचित करते हैं या निर्देशित करते हैं, दिखाते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पिन क्वांटम संख्या से किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात होने पर हम उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n=2, l=1, m=-1 है और 0s है, ये मतलब स्पिन आप देखा जाए तो +1/2 है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये 2p1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, अगर फेरस थर्ड प्लस आयन है, यदि के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है, तो हम फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे (1s2)2s2)2p6 (3s2)3p6 (3d5) होगा। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, अतः इसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान भी
एन बराबर 3, एल बराबर 2, एम बराबर प्लस 2 और एस बराबर प्लस हाफ होगा। थैंक यू।